हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एलोवेरा की सब्जी कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये सब्जी बहुत हेल्दी होती है। डायबिटीज़ पेशेंट्स और जोड़ों के पेशेंट्स के लिए यह बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। अगर हफ्ते में हम 2 या 3 बार इस सब्जी को खाते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम एलोवेरा के छिलके को इस तरीके से उतार लेंगे। उसके बाद हम इसको अच्छे से साफ पानी के साथ धो लेंगे। दो या तीन बार हम अच्छे से पानी के साथ धोने के बाद इस पर हम नमक लगाकर पूरी रात के लिए छोड़ देंगे। इससे जो भी इसका कड़वापन होता है वो निकल जाता है। यह एक नेचुरल और बहुत ही हेल्दी सब्जी है, इसलिए इसमें ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं करना है और केवल देसी घी के साथ ही इसको बनाया जाता है। किसी भी ऑयल का यूज़ इसमें नहीं करना है। सबसे पहले हम एलोवेरा को इस तरीके से देसी घी में 10 से 15 मिनट के लिए भून लेंगे। उसके बाद नमक, मिर्च, हल्दी, हरी मिर्च का यूज़ करना है और लहसुन, अदरक और धनिया, बस यही चीज़ें डालेंगे और अच्छे से इन सभी मसालों को भूनेंगे और इसमें मिक्स करेंगे। इसमें हम पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ देसी घी में ही इसको पकाएंगे। एलोवेरा बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए यह 10 से 15 मिनट में ही बन जाता है। ये देखिए, हमारी सब्जी बिल्कुल बनके रेडी हो गई है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।